दाढ़ी के बालों को सॉफ्ट एंड सिल्की मुलायम करने के लिए कौन सी क्रीम का यूज किया जाता है? अगर आपके दाढ़ी के बाल बहुत ज्यादा टाइट रहते हैं, हार्ड रहते हैं या फिर वो ड्राई होकर सूखे रहते हैं, तो उसके लिए कौन सी क्रीम का यूज किया जाता है और वो क्रीम कैसे यूज की जाती है आपके बियर्ड पर, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मुझसे बात करने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर फॉलो करके आप मुझसे आप बात कर सकते हैं और आपकी सारी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपकी भी दाढ़ी है, आपने भी दाढ़ी की ग्रोथ कर रखी है, तो आपको उसके बारे में पता होगा कि उसकी कितनी केयर करना पड़ती है। जो दाढ़ी की केयर है उसमें ऑयल, बियर्ड ऑयल, शैम्पू, सॉफ्ट, फेस वॉश, उसको वॉश करना, उसकी सफाई रखना, मतलब बहुत से काम होते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो बियर्ड रहती है बहुत ज़्यादा हार्ड रहती है, टाइट रहती है। जो दाढ़ी के बाल रहते हैं बहुत ज़्यादा टाइट रहते हैं, चाहे वो छोटे बाल हो चाहे वो बड़े बाल हो। अगर आपके छोटे बाल हैं तो आपको चुभते होंगे और बड़े बाल हैं वो आपको चुभते भी होंगे, वो आपको अलग से महसूस भी होते होंगे कि यार ये कैसे बाल आ रहे हैं हमारे, इतने टाइट क्यों हैं। तो उन सभी बालों को, दाढ़ी के बालों को मुलायम करने के लिए कौन सी क्रीम का यूज़ किया जाता है? जो क्रीम है उसका नाम है उस्तरा बियर्ड शॉर्पनर क्रीम। ये आप किसी भी मार्केट से परचेस कर सकते हो, आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, या आप किसी भी स्टोर पर जाकर इसको परचेस कर सकते हो। अब बात यह आती है कि इसमें ऐसी कौन सी खूबी है जो आपकी दाढ़ी के बालों को मुलायम, सिल्की एंड ड्राइनेस फ्री कर देती है? तो सबसे बड़ी बात इसकी यही होती है, जो आपके बियर्ड हेयर्स रहते हैं अगर आप उस पर इसका अप्लाई करते हो तो आपके बियर्ड शाइनिंग भी करेंगे। जो बियर्ड की हेयर्स रहेगी, जो उसके बाल रहेंगे, वो शाइनिंग चमकदार भी दिखेंगे और आपके बियर्ड की हेयर्स बहुत ज़्यादा मुलायम सिल्की हो जाएंगे, जो कि आप चाहते हो। और इसमें अगर आपकी बियर्ड में ड्राइनेस रहती है, यानी रूखा सूखापन रहता है, तो उस कंडीशन में भी ये आपकी बियर्ड को ड्राई फ्री कर देता है, यानी ये आपके बियर्ड को बिल्कुल ऑयली कर देता है, ऑयली टाइप की। आपके हाथ में ऑयल नहीं आता लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो बियर्ड है वो ऑयली हो गई, बहुत ही एकदम खिला देती है आपके पूरे बियर्ड हेयर्स को। तो अगर आप भी इसका यूज़ करना चाहते हो तो इसका यूज़ कैसे किया जाता है? देखो, जो उस्तरा बियर्ड शॉर्पनर जो क्रीम रहती है, वो अगर आपके फेस वॉश करने के बाद या फिर आप नहाने के बाद अगर आपकी बियर्ड के हेयर्स पर अप्लाई करोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे देती है। अगर आप इसको नाइट में भी आपका फेस वॉश करके लगा के सोओगे तो 100% आपका जो रिजल्ट रहेगा वो सक्सेसफुल रिजल्ट रहेगा। ये एक आयुर्वेदिक होता है, इसके आपको कोई भी साइड इफेक्ट उठाने नहीं पड़ सकते, यानी इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। अगर आप भी कोई बियर्ड क्रीम यूज़ कर रहे हो आपकी बियर्ड के हेयर्स को सॉफ्ट एंड सिल्की बनाने के लिए या फिर शाइनिंग बनाने के लिए या फिर जो ड्राइनेस रहती है उसको फ्री करने के लिए, तो आप उस्तरा बियर्ड शॉर्पनर क्रीम का यूज़ कर सकते हो। 100% सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। अगर आप भी इसका यूज़ करना चाहते हो तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आपने अगर ऑलरेडी इस क्रीम का यूज़ कर रखा है तभी भी आप इस क्रीम का रिव्यू मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझसे बात करने के लिए, आपके बियर्ड प्रॉब्लम्स या कोई भी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करने के लिए, आप मुझे मेरे इंस्टा पर फॉलो करके मुझसे बात करें, आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, 100% आपके मैसेज का रिप्लाई दूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन।